तो पंचायतों में अब 15 लाख रुपए से कम की योजनाओं का भी टेंडर होगा। बिहार सरकार की माने तो पंचायतों में राशि की बंदरबांट रोकने के लिए सरकार ने पंचायत निर्माण कार्य नियमावली स्वीकृति की है। जैसे ही यह बात पंचायत के मुखिया तक पहुंची, मुखिया आग बबूला हो गए। वहीं मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद यादव ने एक बयान देते हुए कहा कि अगर बिहार सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हम लोग इस्तीफा देने पर भी उतारू हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि हैं, बिहार सरकार ने एक तरह से कत्लेआम करने का काम किया है। आज तक पूरे भारत में इस तरह का जो निर्णय लिया है बिहार सरकार, किसी भी राज्य में इस तरह का नहीं है कि टेंडर प्रक्रिया हो और एक तरह से ये त्रिस्तरीय जो जनप्रतिनिधियों का है जो मामला है पूरी तरह से खत्म करने के ये प्रयास है नीतीश कुमार का और बिहार सरकार का। एकदम पूरी तरह से नीतीश कुमार हर एंगल से पूरी तरह से एकदम ब्यूरोक्रेट्स के चंगुल में फंस चुके हैं और ब्यूरोक्रेट जो है मनमाने तरीका से ऊपर सारा काम करने का काम कर रहे हैं और जिस तरह से ये चल रहा है कल से एकदम पूरा जितने भी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि है अंदर अंदर पूरी तरह से गर्म है और चाहे जिला परिषद सदस्य हो, चाहे समिति सदस्य हो, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे जितने भी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि हैं, सबके अधिकारों में अधिकारों को कटौती करने का काम किया है, कैंची चलाने का काम किया है। अब क्या करेगा मुखिया संघ? मुखिया संघ ही नहीं, पूरे बिहार के जितने भी हमारे त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि है, मैं सबसे अपील करूंगा और मुखिया संघ निर्णय ये लेने जा रहा है कि जिस जो विधानसभा का सत्र चलने जा रहा है हम लोग उसको घेरने का काम करेंगे और सारे लोगों से जितने भी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि से मैं अपील करूंगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी रहा है, इसलिए जो जन आंदोलन होता है चाहे कहीं ना कहीं कुछ 10 से 20% ही मुखिया चाहे उसके जो सब